सो वन प्लस लॉन्च करने जा रहा है अपना एक और मिड रेंज स्मार्टफोन जो कि वन प्लस नॉर्ड सीरीज का होगा। और वन प्लस नॉर्ड जब से लॉन्च हुआ था तो 25,000 या फिर 30,000 के अंदर जो कि वन प्लस का डिवाइस था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल उसकी आई है और जो यूजर्स का रिस्पॉन्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा उससे सेटिस्फाइड हैं। तो अब वन प्लस ने अपने इंस्टाग्राम पे वन प्लस नॉर्ड का जो अकाउंट है उन लोगों ने पोस्ट किया था कमिंग सून करके, तो उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वन प्लस का एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम अभी लीक हुआ है N10 5G, वन प्लस नॉर्ड N10 5G स्मार्टफोन जो कि मिड रेंज होगा। तो इसी स्मार्टफोन के बारे में हम लोग कुछ रूमर्स के बारे में बात करेंगे जो कि इसके लीक्स निकल के आए हैं, इसके फीचर्स और स्पेसिएसेस के बारे में, तो उसी के बारे में हम लोग आज वीडियो में बात करने वाले हैं। सो ये जो स्मार्टफोन है ये आपका वन प्लस 8T के साथ लॉन्च होने वाला है, पहले यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च होगा। और इस स्मार्टफोन में आपको 6.49 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। और हम लोगों को पता है कि वन प्लस के डिस्प्ले कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब रिफ्रेश रेट इसमें आपको 90 हर्ट्ज़ या फिर 120 हर्ट्ज़ का देखने के लिए मिल सकता है। और अब हम लोग इसके हार्ट के बारे में बात करते हैं यानी कि प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें आपको मतलब अपने पूरे फर्स्ट इन क्लास है जो कि स्नैपड्रैगन 6 सीरीज में 5G प्रोसेसर 5G मॉडेम लगा के ये प्रोसेसर बनाया गया है जो कि है स्नैपड्रैगन 690। और इसमें आपको 5G सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वजह से अभी तक कोई भी ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है जो स्नैपड्रैगन 6 सीरीज का प्रोसेसर हो और उसमें आपको 5G फीचर भी मिलता हो। तो इस वजह से एक नया एक्सपेरिमेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो स्नैपड्रैगन 675 है उससे आपको 20% बूस्टेड परफॉर्मेंस मिलेगी स्नैपड्रैगन 690 में। सो कैमरे की बात कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा हम लोगों को अभी नहीं पता है कितने मेगापिक्सल का होने वाला है, लेकिन बैक कैमरे में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने के लिए मिलेगा, प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड और +2 +2 कैमरा मैक्रो और डेप्थ सेंसर के लिए मिल जाएगा। और इसमें आपको HDR10+ का भी सपोर्ट मिलेगा। तो डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा होने वाला है और डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी नहीं लगेगी। और इसमें आपको LPDDR4X मैक्सिमम रैम जो है वो 8 GB की मिल जाएगी। तो LPDDR4X रैम जिस भी स्मार्टफोन में होती है उसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, एप्स काफ़ी जल्दी लोड होते हैं। और ये सारी चीज़ें मिलके एक पावरफुल पैकअप एक अच्छा डिवाइस लेकर आने वाली है वन प्लस नॉर्ड। तो जैसे कि वन प्लस नॉर्ड पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और ये जो नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है तो ये अभी पहले US में लॉन्च होगा, इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है वो अराउंड $400 होने वाली है। लेकिन इंडिया में आएगा तो हो सकता है वन प्लस नॉर्ड के नीचे ही इसको प्राइस किया जाए, क्योंकि वन प्लस नॉर्ड में आपको 7 सीरीज़ का प्रोसेसर मिलता है और 6 सीरीज़ का प्रोसेसर अगर कम प्राइस में आएगा तभी आप परचेज करेंगे। तो 20 से 25 हज़ार के रेंज में इंडिया में ये आ सकता है, अभी कोई फिक्स नहीं है। और इसमें आपको क्विक चार्ज 4.0+ का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जैसे ये इंडिया में लॉन्च होता है या फिर कोई भी इसके बारे में नॉलेज मुझे मिलती है, न्यूज़ मिलती है, तो मैं उसके बाद पूरी एक स्पेसिएशंस की इसकी वीडियो बना दूंगा और प्राइस भी आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।